औरत के हिजाब का मसला, औरत के लिए हिजाब जरूरी क्यों है, इसकी बेशुमार मसलहतें हैं, बेशुमार विजडम्स हैं। एक विजडम ये भी है कि औरत को प्रोटेक्शन दी जाती है हिजाब के जरिए, क्योंकि अगर हिजाब पहना हुआ तो कम नजरें औरत की तरफ उठती हैं। औरत ने जब हिजाब किया हो तो कम नजरें उठती हैं। अब कोई शख्स कहता है कि देखें यूरोपियन कंट्रीज में अगर औरत ने हिजाब न किया हो तो उसकी जाने कम नजरें उठेंगी, क्योंकि हर औरत अक्सर औरतें हिजाब के बगैर होती हैं, लेकिन जो हिजाब पहनकर घर से निकलती है उसकी जानिब ज्यादा निगाहें उठती हैं, ज्यादा नजरें उठती हैं। तो गोया के अब वो मसलहत हमारी समझ में आ गई, वो मसलहत अब बरतानिया में मफकूद है, वो मौजूद नहीं है, क्योंकि औरत अगर हिजाब पहन के गलियों में जाएगी तो उसकी जानिब ज्यादा निगाहें उठेंगी। लिहाजा अब औरत के लिए हिजाब जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने मसलहत को समझ लिया है। तो क्या हम इसको कबूल करेंगे? हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अहकाम का मदार मसलहतों पर नहीं होता। इसीलिए हमारे अकाबिर उलमा में से बेशुमार उलमा हैं जिन्होंने ये कहा, इस बात पर जोर दिया है कि मसलहतों को हरगिज बयान न किया जाए, क्योंकि इससे फितने फैलेंगे। जब अवामुन नास मसलहतों की बुनियाद पर अहकाम को बदलना शुरू कर देती है और हर कोई एरा गैरा नत्थू खैरा जिसे दीन की मुबादियात का इलम नहीं होता, वो कहता है कि मुझे पता है ये मसलहत, इसकी बुनियाद पर हम हुक्म बदल गए। अब इसी तरह ये इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। देखिए जिना की हुरमत की एक मसलहत, एक सबब जिना की हुरमत का इख्तिलात नसब भी है, या यूं कह लें कि औरत की शादी के हवाले से एक वक्त में औरत के लिए एक मर्द की के निकाह में होना जायज है, ज्यादा के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसके खावंद दो तीन खावंद हों तो जो उसकी औलाद होगी तो ये मुतय्यन हम कैसे करेंगे कि उसकी किसकी औलाद है? ये एक मसलहत है शरीयत की, लेकिन ये इल्लत नहीं है, और मसलहतें बेशुमार होती हैं। अब कोई शख्स ये कहे कि देखिए दौरे हाजिर में डीएनए टेस्ट के जरिए पता किया जा सकता है कि ये बेटा किस बाप का बेटा है, इसका वालिद कौन है, तो लिहाजा अब औरत के लिए एक से ज्यादा शादियां करना जायज है। तो हम कहेंगे नहीं, एक मसलहत तेरे जहन में आई है, इसका यह मतलब नहीं है कि इसी मसलहत की बुनियाद पर अहकाम शरिया वजह किए गए हैं। नहीं, मसलहतें बेशुमार होती हैं, अहकाम शरीयत का मदार इल्लतों पर होता है। राइट्स ऑफ विमेन पर बहुत कलाम किया जाता है और कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे कवानीन और उसूल ज़वाबित दिए जिसकी वजह से विमेन राइट्स को डिमिनिश किया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अगर हम मुख्तलिफ मुआशरों पर गौर करें, मुख्तलिफ तहजीबों पर गौर करें, बेबिलोनियन सिविलाइजेशन में अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता तो बदला उससे ना लिया जाता, उसकी जौजा से लिया जाता है। ये बेबिलोनियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है और ये एक तारीखी हकीकत है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता तो उसे ये हक हासिल था, अगर वो चाहता वो कहता कि मेरी जोजा को कत्ल कर दो, बदला मेरी जोजा से लो, तो उसे ये कहने का हक हासिल था और बदला लिया जाता। इसी तरह ग्रीक सिविलाइजेशन को देखें, स्टडी करें, तो ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को हर बुराई की जड़ तसव्वुर किया जाता था, द रूट ऑफ एवरी ईवल। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल रोमन सिविलाइजेशन को स्टडी किया जाए तो रोमन सिविलाइजेशन में एक खावंद को अपनी जोजा को कत्ल करने का हक हासिल था, वो चाहता कत्ल करता तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं समझा जाता, किसने कोई क्राइम किया है, यानी ए हस्बैंड हैड द राइट टू मर्डर हिज वाइफ। इसी तरह इजिप्शियन सिविलाइजेशन को स्टडी करें तो अ वुमन वॉज नोन एज ए सिंबल ऑफ सैटन, शैतान की अलामत औरत को कहा जाता था इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। अफलातून जैसे लोग, प्लेटो कहता है कि वुमन एक औरत ये इंसान ही नहीं है, वो औरत को इंसान ही नहीं मानता, वो कहते हैं कि इंसान की खिदमत के लिए बनाई गई। और फिर अरब सिविलाइजेशन जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेटी की नेमत अदा फरमाता, वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लेकिन ऐसे माशरे में कौनैन के वाली हसरत खूबा सयाह लामा का नाज़िश हर वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ دو بیٹوں نے اپنی والدہ کو مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے آری قوم میں ایسا انقلاب وبا کیا, ایسی ریولیوشن پیدا کر دی کہ وہی لوگ جو منڈیوں میں اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا کہ میری ماں کے قدموں میں جنت ہے.